नीचे घूम नीचे घूम नीचे थोड़ा सा नीचे कर रहा है थोड़ा नीचे थोड़ा सा मेरे जो अनमोल रखे छुपा दे भट्टी की दिन छुट्टी मनाने का अवसर कैसा रहा किस तरीके की मस्ती भट्टी ने कराई आपको बट्टी और छुट्टी इज अ कॉमेडी फिल्म बहुत मज़ा आया है इसको शूट करते हुए ये कॉमेडी पिक्चर है और जब हम शूट कर रहे थे तो डेली हम लोग हंस हंस के पागल हो जाते थे वी कुडंट कंट्रोल आवर सेल्व्स वी कुडंट शूट क्योंकि इतना इट वाज सो फनी ऑल द लाइन एंड आई एम प्लेइंग द गैंगस्टर गर्लफ्रेंड अनुपम जी गैंगस्टर हैं इसमें और मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ लव इंटरेस्ट हूँ मेरा एक राइटिंग सॉन्ग है इसमें एंड इट्स अ ग्लैमरस रोल जाहिर है मेरे मेरा जो भी काम होता है इट्स ग्लैमरस बट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव डन अ फुल फ्लेज्ड सॉन्ग सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिलीज आपको इस चीज़ का अफसोस है आप इतनी खूबसूरत लड़की को लट के छटके दिखाने का मौका नहीं मिला खेर साहब को मिल गया किस क्या खेर साहब को मौका मिल गया आइटम सॉन्ग में लट के छटके दिखाने का आपको नहीं मिला नहीं मेरा भी आइटम सॉन्ग है बट्टी और छुट्टी में एंड माय सॉन्ग इज शॉट इन स्कॉटलैंड इट्स शॉट ऑन अ लेक बहुत ही खूबसूरत है मेरा गाना बट आई थिंक बट्टी अनुपम जी हैज डन द टाइटल सॉन्ग बट्टी और छुट्टी इट्स रियली फैबुलस बहुत अच्छा है लेकिन हमारा गाना कुछ कम नहीं है हाँ देर इज़ नो लॉजिक सेंसर बोर्ड ने ऑब्जेक्शन क्यों लिया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बिकॉज देर इज़ नथिंग ऑफेंसिव कोई गाली नहीं है उसमें कुछ बुरा नहीं है वी जस्ट मेड अ फिल्म ऑन जॉर्ज बुश कल हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं जॉन एफ कैनेडी उसमें कोई बुरी बात नहीं है सो आई डोंट नो व्हाई द सेंसर बोर्ड वांटेड टू एडिट दैट लेकिन फिर भी आई थिंक दिस फिल्म इज अबाउट कॉमेडी इट्स अबाउट ह्यूमर कोई एक किरदार के बारे में नहीं है यस यस इट्स इंस्पायर्ड बाय जॉर्ज बुश बट द फिल्म इज अ कॉमेडी एंड इट कैन सस्टेन इटसेल्फ विदाउट जॉर्ज बुश तो हमने काट दिया जॉर्ज बुश जहाँ भी आते हैं वो बीप कर दिया लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी ह्यूमरस फिल्म करेक्ट तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों लिया व्हाई दे सेड यू कैन नॉट यूज जॉर्ज बुश कोई लॉजिक ही नहीं है लेकिन आप तो जानते हैं सेंसर बोर्ड के साथ कोई बहस नहीं कर सकता है सो वी डिलीटेड वी बीप्ड आउट जॉर्ज बुश वही मुझे बहुत अजीब लगता है क्योंकि आई जस्ट सॉ जन्नत 2 पिक्चर तो बहुत बढ़िया है लेकिन खूब सारी गालियाँ हैं उसमें और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जॉर्ज बुश एक इतना सिंपल नेम है जो हम डेरोगेटरी हमने कुछ गलत बोला नहीं है जॉर्ज बुश के बारे में सो व्हाई दे वांटेड टू एडिट दैट किसी को समझ में नहीं आ रहा है बट हमको पिक्चर रिलीज करनी थी एट एनी कॉस्ट वी हैव एडिटेड दैट आउट वी आर स्टिल रिलीजिंग एंड प्लीज कम एंड वॉच इट बिकॉज इट्स सो फनी व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नेक्स्ट लाइक इन योर नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म What do we get to see fans? Unfortunately, I've got branded and slotted as the glamour doll. So, my next film also is a glamorous character. Thank you so much. Thank you. अरे अरे पीछे शूट करने दे क्या हुआ पीछे मेरे ख्याल टाइटल भट्टी और छुट्टी सब कुछ कह देता है कि फिल्म कॉमेडी है लेकिन इसमें कुछ प्लॉट्स में प्लॉट्स हैं कुछ मिस्ट्री भी है और दो मिनट की सीरियसनेस भी है और जिस फिल्म में भट्टी हो और बुश के पीछे हो बच्चन साहब के पीछे हो तो ज़रूर है ज़रूरी है कि बड़ा क्रेजी कैरेक्टर हमने क्रिएट किया है अब ये कितना पसंद आता है ऑडियंस को ये रिलीज के बाद पता पड़ेगा देखिए जॉर्ज बुश के पीछे पड़ा हुआ है बीबी भट्टी क्योंकि वो चाहता है कि जॉर्ज बुश को अपना पीस प्लान दे दे ये अमनो शांति चाहता है भट्टी
पूरी दुनिया में, और वो बुश के पीछे पड़ा हुआ है। अब जाहिर है अगर बुश का नाम आता है तो मनमोहन सिंह जी का भी नाम आ सकता है। तो अब इन दोनों नामों पे प्रेस ने कहा, सेंसर ने कहा था कि भाई आप इन दोनों के नाम म्यूट कर दीजिए। अब म्यूट कर दीजिए तो अब आपको कुछ सुनाई दिया तो गूंगी फिल्म कैसे लगती, मेरे सीन समझ में कैसे आते हैं? तो फिर हम जो है रिवाइजिंग कमेटी के पास गए और उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छी तरह आपने ये दोनों नामों का इस्तेमाल किया है, चाहे मनमोहन सिंह जी का नाम हो चाहे जॉर्ज बुश का नाम हो, सो आई मीन दे वर फाइन विथ इट। कुछ इस वजह से हुआ है डिले और कुछ